ओके अगेन वेलकम क्लास ट्वेल्थ। और आज हम लोग का जो चैप्टर होगा नया चैप्टर जो कि नाभिकीय ऊर्जा या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के विषय में होगा, ठीक है ना। और इसमें तमाम टॉपिक आपको देखने हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का आज का है कि ब्रह्मांड ऊर्जा संबंध, ओके, दिस इज द मास एनर्जी रिलेशनशिप। लेकिन फ्यूचर जो ऊर्जा का जो स्रोत होने वाला है वो न्यूक्लियर एनर्जी ही होने वाला है, ओके, क्योंकि आज के युग में जो डिमांड बढ़ रही है विद्युत की ऊर्जा के फॉर्म में, इसकी सप्लाई अगर आपको भरपूर करनी है तो इसका सबसे बड़ा जो सोर्स होने वाला है वो न्यूक्लियर एनर्जी होने वाला है, ओके। तो हम लोग इस पर ध्यान लगाएंगे। और टॉपिक हम लोग का आज का पहला टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध, ओके। और देखिए आइंस्टीन के आने के पहले, आइंस्टीन के आने के पूर्व जो वैज्ञानिक थे उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा को एक साथ नहीं जोड़ा हुआ था। आइंस्टीन के पूर्व जो भी वैज्ञानिक थे उनका उनके हिसाब से द्रव्यमान का संरक्षण अलग और ऊर्जा का संरक्षण अलग, दो नियम बताए गए थे। लेकिन आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन ने सापेक्षता का नियम लगाया, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, ओके, और इसके अकॉर्डिंग ये बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं, ओके। आप मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऊर्जा का संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण इसको आपको अलग नहीं करके एक ही देखना है। एक फॉर्मूला आपको मैं दिखाता हूँ, ई स्क्वायर एम सी स्क्वायर फॉर्म में, ई स्क्वायर टू एम या डेल्टा एम दिखा रहे हैं, एम इंटू सी स्क्वायर, ओके। ई का मतलब एनर्जी हो जाएगा, डेल्टा एम का मतलब द्रव्यमान, डेल्टा लगा है द्रव्यमान कुछ कमी होगी, सी स्क्वायर सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। यहाँ से यदि हम डेल्टा एम को निकालना चाहें ये बन जाएगा ई अपॉन सी स्क्वायर, ओके। मतलब द्रव्यमान क्षति को अगर आपको शो करना है तो कुल ऊर्जा ऊपर और सी का मान नीचे। और आंकड़े कहते हैं कि यदि हम एक ग्राम पदार्थ की मात्रा लेकर चलते हैं, वन ग्राम ऑफ एक ग्राम मात्रा, ओके, एक ग्राम अगर पदार्थ की मात्रा है जिसे आप 9×10^13 जूल ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ओके। तो निश्चित रूप से जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग आप मास और एनर्जी को एक साथ शो करना है, जो कि ये फॉर्मूला आइंस्टीन के माध्यम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे विशेष रूप से जब आपको डेल्टा एम निकालने को आएगा तो आपको एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से भाग करेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया कि एक ग्राम अगर पदार्थ की मात्रा है तो उसे आप लगभग 9×10^13 जूल ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं, ओके। तो आइंस्टीन के इक्वेशन के फॉर्मूले के पश्चात चेक करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, यानी जो परमाणु द्रव्यमान मात्रा, इसको कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। अब एक्चुअल में ये देखिए ये भी एक मात्रक है, यहाँ जो हम बात करेंगे नाभिकों की, मतलब मूल कण, ओके, या नाभिकीय कण, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इत्यादि की बात कर सकते हैं, तो इनके द्रव्यमान को नापने के लिए एक अन्य इकाई बनाई गई है, इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट या इसको शॉर्ट में कहेंगे एमयू, ए एम यू, एटॉमिक मास यूनिट, ओके। तो इसकी परिभाषा चेक कर लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, और एक एमयू में कितना ग्राम या कितना किलोग्राम, ओके, ये हमें चेक करना है। तो परिभाषा चेक करना है हमें, वन एमयू, ओके, वन एमयू कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन का जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो एमयू एक्चुअल में कार्बन की अगर बात करते हैं तो उसके द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो और इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कार्बन का जो मास होना चाहिए वो 12.000 एमयू होना चाहिए, ओके। और यदि आपको चेक करना है कि एक एमयू में कितनी ऊर्जा होती है, तो पहले हमें ये चेक करना कि वन एमयू कितना मास होता है, क्योंकि आपको अगर एनर्जी निकालना है, ई का मास निकालना है, देन ये फॉर्मूला है, तो पहले हमें डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी होगी, इसलिए मैंने हेडिंग यहाँ डाला हुआ है कि वन एमयू में कितना ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा निकालने से पहले मैं निकालूंगा डेल्टा एम या मास, हालांकि ये भी मास है
ये बहुत कुछ मास की वजह होती है। इसको हमें चेंज करना है ग्राम में या किलोग्राम में, चेक करें इसको। एक्चुअल में देखिए फिर से लिखा गया है कि कार्बन के एक ग्राम परमाणु का भार, ओके, कार्बन के एक ग्राम परमाणु का वेट कितना है 12 ग्राम, ठीक है, तथा इसमें एन परमाणु मौजूद होते हैं, और एन का मतलब जानते हैं कि एन का मतलब होता है अवोगाड्रो, अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नंबर, इसकी वैल्यू भी आपको मालूम होनी चाहिए, या तो 6.02×10^23, ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी, अवोगाड्रो संख्या हो गया। आप चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको निकालना है, तो कार्बन के एक ग्राम, ध्यान दें एक ग्राम परमाणु का भार इतना था, अब मुझे निकालना है एक परमाणु का द्रव्यमान, तो ये जो एन होगा मतलब अवोगाड्रो नंबर नीचे आ जाएगा, इतने ग्राम हो जाएंगे। 1 AMU आपको निकालना है, तो 1 AMU कैसे निकालेंगे, इसमें दिखाया कि परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग मतलब 1/12, तो 1 AMU = 1/12 इंटू कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना, इसको आप लिख लें 1/12 × कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, वो दिखाया गया 12/N, 12/N एंड दिस इज द ग्राम, ओके, यहाँ से 12 कट जाएगा, ये बचेगा 1/N, अब इतना ग्राम मतलब 1/N का मतलब है कि आपको 6.02×10^23 यहाँ रखना पड़ेगा ग्राम में, इसको आप भाग करेंगे तो 1/6.02 जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.66 के आसपास निकल रहा है, ओके, और 10^10 ये बनाएगा -24। एक्चुअली ये टेस्ट लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस टेस्ट बनाएगा, 10 से गुणा किया 10 से भाग किया ये 24 बन जाएगा, ताकि आप 10 बन जाए 10.6 बनाएगा, ये किसमें निकल रहा है ग्राम में, ओके, इसको आप लिख सकते हैं 1.66×10^27 ये किसमें है किलोग्राम में, ये है 1 AMU। (1 AMU = 1.66×10^27 kg) ये ग्राम में था, 1000 से भाग किया गया तो -27 kg हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो वैल्यू निकल रही है ये एमयू में कितने किलोग्राम में है, कितने ग्राम होते हैं वो बताया गया है, तो देखिए एक संबंध जाएगा कि 1 AMU में 1.66×10^27 kg ये संबंध है एमयू और केजी का, ओके। और यदि आपको इस द्रव्यमान के संगत निकालने की ऊर्जा जो कि हेडिंग यहाँ पड़ा हुआ है, तो हम चेक करते हैं कि यदि एक एमयू 1 AMU ओके ये है, तो आप यहाँ यूज करना है E=mc2 (Δm) C² ओके डेल्टा एम की वैल्यू चेक कर लें यहाँ पे E=1.66×10^27 ओके ये किलोग्राम की वैल्यू हो गया। C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ये आप लिखेंगे 3×10^8 इसका होल स्क्वायर 1.66×27 ओके इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये बनाएगा 9×10^16 एंड दैट इज योर, इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यार देखिए ये डेल्टा ई की वैल्यू जब अप्लाई किया गया तो ये 1.494×10^10 जूल के फॉर्म में बनेगा, ओके। हमारा टॉपिक था कि हमें कुछ चेंज करना है एमिली में, तो मिलियन या मेगा बाद में लाएंगे, पहले इसको हमें जूल को चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक संबंध आप चेक कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6×10^19 जूल, ओके। यहाँ पे हमें जूल को बदलना है ईवी में, जूल को बदलना है
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हो जाएगा डेल्टा ए की वैल्यू। इसको आप भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे 1.26 × 10⁻¹⁹। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ईवी में। ओके, तो डेल्टा ए की वैल्यू इसको जब भाग करेंगे तो ये लगभग 0.931 बनेगा 10⁻¹⁹ ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए आ गया ये। ओके, इसको लिख सकते हैं आप क्या किया है, ए के आर से गुणा किया 931। ओके, और ए के आर से भाग किया, ये बन गया 6 ईवी। ठीक है, 1000 गुणा किया तो 0.3 आएगा, और 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो है पावर 6 आ जाएगी। और ये डेल्टा की वैल्यू बन रही है ये 931। एक्चुअली ये जो निकला 10⁻⁶ ईवी, तो 1 mev 6 ईवी होता है। मेगा ये मिलियन लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं mev, mev। तो ये रिजल्ट है, कहीं कहीं पे ये 931.5 भी लिखा होता है। ओके, इस बार वोल्ट अगर डिवाइड करेंगे तो ये 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखिए फाइनली डेल्टा ई की वैल्यू 931 mev हो जाती है। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यदि आप 1 amu अगर द्रव्यमान है तो इसके समतुल्य 931 mev ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो ये निष्कर्ष हो जाएगा, मैंने आज इसको शो कर दिया है। एक बार फिर चेक करना इसको पूरा टॉपिक, ये टॉपिक पास यूनिट के बारे में पूछा गया है, तो पहले आपको इसको डिफाइन करना है। तो डिफिनेशन देखिए, यहाँ पे कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें पार्ट भाग के बराबर होता है, आपको दिखा देना है। अब आपको चेक करना है कि 1 amu, amu एक्चुअली बहुत ही सूक्ष्म कणों के द्रव्यमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इसके समकक्ष कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहला काम हम लोग का ये होगा कि 1 amu में कितना ग्राम या कितना किलोग्राम होता है, क्योंकि यदि आप डेल्टा ई स्क्वायर पर एम3 स्क्वायर लगाते हैं तो वहाँ पर एम की वैल्यू जो है किलोग्राम में होनी चाहिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखिए कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का भार दिखाया गया 12 ग्राम, और इसमें एन परमाणु या एन परमाणु का मतलब अवोगाड्रो नंबर, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कार्बन की 1 परमाणु का मास इतना है। ओके, तो 1 amu कितना हो जाएगा, 1/12, यानी कि लिखा है 12वें भाग के बराबर, गुणे कार्बन के 1 परमाणु का मास जो कि 12/n है। 12 कैंसिल हो जाएगा, 1/n बचेगा ग्राम में, n की वैल्यू आपको शो कर देनी है जो कि ग्राम में है। चल रहा है ये, ठीक है, इसको जब हल करेंगे ये 1.66 × −24 ग्राम में आएगा, और −27 करेंगे किलोग्राम में, 1000 से भाग किया गया है। तो इस प्रकार से 1 amu में इतना kg, इतना किलोग्राम होता है। अब हमें ये चेक करना है कि इस द्रव्यमान को जिसे हमने चेंज किया है किलोग्राम में, इसके संगत कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ओके, तो 1 amu के तुल्य ऊर्जा डेल्टा ई मान ली गई है, ई बराबर mc² के फॉर्मूले के माध्यम से आप डेल्टा ई निकालने वाले हैं, और डेल्टा एम का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से आपको ले लेना है, क्योंकि आपने amu को मास जो था वो किलोग्राम में चेंज कर लिया है। ओके, ये डेल्टा एम की वैल्यू हो गई है। ई का मान स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे, ये 1.4914 × −10 जूल बनाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश से, जो कि मैंने यहाँ बता दिया कि 1 ev में इतना जूल होता है, अब जूल को बदलना है ev में, तो आप जो इसे भाग कर लेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड करने का मतलब ये 0.9315 कुछ बनता है, पावर चेक कर लेंगे 9 के फॉर्म में, 1000 से गुणा किया है, 1000 से भाग किया गया है, तो ये बनाएगा। और फाइनली डेल्टा ई की वैल्यू जो है 931 mev, मतलब जो आपका द्रव्यमान था वो पूर्ण रूप से इस ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ओके, ये आपका आज का टॉपिक रहेगा, जिसे मैंने आपको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के माध्यम से क्या महत्व होता है ई बराबर mc स्क्वायर का वो बताया है, उसके बाद जो है 1 amu में कितना mev है वो बता दिया है। Okay, thanks for watching my video. Thanks to all of you.